दोस्तों ये ऑप्टिमा और मैक्सिमा दो गाड़ियाँ आती हैं ना, इसका ऑयल चेंज का सिस्टम सेम है। तो हम ये जो है ऑप्टिमा का ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो फिल्टर निकाले अभी, ऑयल इसका जो पाना है, जो ऑयल का नट निकाल रहे हैं, इसको किसको 17 का आता है, किसको 16 का आता है। ऑयल चालू हो गया पढ़ना, ऑयल तो बहुत गंदा हो गया है, शायद ऑयल 1 लीटर के करीब करीब निकलने का ऐसा अंदाज़ा है, क्यों गंदा होने की वजह से ऑयल घट हो के कम हो जाता है, घट हो के। गाड़ी को फिट रखना है तो ऑयल का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों ऑयल का ख्याल, ऑयल का ये रखते जो लेवल बराबर। अभी ऑयल के नट को साफ़ करके बिठाएंगे, ऑयल के नट को साफ़ कर कर बिठाना बहुत ज़रूरी है। यह है फिल्टर, कंपनी का ओरिजिनल फिल्टर है, जो जिसकी गाड़ी बना रहे हैं वो सब कंपनी का ओरिजिनल पार्ट इस्तेमाल करते हैं, पार्ट के बारे में ज़रा भी रिस्क नहीं लेते, इसलिए उन्होंने ओरिजिनल कंपनी का पैक पीस लाया फिल्टर का। अब फिल्टर को थोड़ा ऑयल पिलाएंगे, क्योंकि ऑयल पिलाने से फिल्टर फिटिंग होने के बाद ब्लॉक और अंदर के जो भी हेड को वगैरह प्रेशर नहीं आता, आराम से ऑयल चल जाता है, क्यों ऑयल जो है क्रैंक से होते हुए ऊपर चढ़ता। अगर ऑयल नहीं पिलाए वैसे ही बिठा दिए, तो फिर ऑयल पीकर फिर फिल्टर ऊपर चढ़ने तक टाइम लगता, या फिर फिल्टर अचानक से झटका खाने से फट भी सकता अंदर से, उसके लिए ऑयल पिलाया जाता है फिल्टर को। दोस्तों हम वीडियो जो बनाते हैं पूरे टेक्निकली रूल्स के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे को भी सारी चीज़ें समझ में आए कि भाई ये क्यों किया गया, वो क्यों किया गया, इसके लिए भी इसको फिट कर रहे हैं ऑयल फिल्टर को। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने गाड़ियों की कंडीशन को अच्छा रखे, क्यों गाड़ी फिट है तो फिर सब मामले फिट हैं, कभी कहीं भी जा सकते हैं, कितने भी दूर का सफ़र कर सकते हैं। अगर गाड़ी में प्रॉब्लम, गाड़ी को अब ध्यान नहीं देंगे तो बाद में अचानक से कहीं दूर जाना पड़ गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं दोस्तों। ऑयल नट टाइट हो गया, फिर इसके अंदर ऊपर सेल डालेंगे, हम जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है विडॉल का ऑयल, और अच्छा आता है ये विडॉल का, हम ज़्यादातर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। विडॉल की भी कंपनी अच्छी है, ऑयल भी अच्छा आता है। ऑयल अब अंदर जा रहा है इंजन के अंदर, पहला डिब्बा चला गया, 1 लीटर 800 ml 700 ml के करीब करीब ऑयल डाला जाता है अंदर। अब 1 लीटर का डब्बा चला गया, यह है 2 लीटर का डब्बा। दोस्तों ये ध्यान देना है कि जो रैपर जो रहता है ऑयल के डब्बे के ऊपर जो सील, वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाए, या तो गलती से डिब्बे के अंदर जाएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वो इंजन के अंदर चला गया तो फिर अंदर जाके वो वाल को भी ख़राब कर सकता है, ऊपर से फंस कर अंदर वाल ऑयल सील में, या फिर अंदर जाएगा तो फिर अंदर के किसी भी बारीक बारीक जो ऑयल पास होने के जो
होल होते हैं उसके अंदर जाकर जम गया तो फिर ख़त्म हो गया करने का, फिर इंजन का वो हो गया बराबर, इंजन कुछ बराबर कर देता है। इसलिए चीज़ों में जो छोटी चीज़ें होती हैं मगर बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसलिए इसको ध्यान देने का, क्यों गड़बड़ में हम ध्यान नहीं देते चीज़ों को, मगर प्लास्टिक है अंदर जाके किसी भी होल में जम गया तो सब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑयल फिल्टर का भी जो सामने का जो नट होता है उसको बहुत बारीक होल होता है जहाँ से ऑयल अंदर चढ़ता है, जाके फंस गया तो खलास हो गया। चलो ये ऑयल चेंज हो गया गाड़ी का, गाड़ी फिट हो गई। चलो का चलो कोई दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अपनी गाड़ी को भी मस्त रखो, आप भी मस्त।